देशभक्ति हम लोग बेचने का काम नहीं ना करते, हमारे जहन में रहता है महोदय। काम शुरू कराने गए तो उनके परिजनों का था कि नहीं हमारा जमीन छोड़ दीजिए। अभी सूचना मिली प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि उनके पिता को अरेस्ट किया गया है, तो इसमें ना किसी को फंसाया जा रहा है ना किसी को बचाया जा रहा है। बेटे का स्मारक बनाया जाए और द्वार बनाया जाए, उस समय जाहिर से तौर पे हम सरकार में नहीं थे, सरकार में ये लोग थे, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमने उनको बोला कि हमारी पार्टी के तरफ से स्मारक भी बनाया जाएगा और गेट भी बनाया जाएगा। हालांकि काम तो इनको करना चाहिए था, देशभक्त लोग हैं सो कॉल्ड। हम लोग देशभक्ति हम लोग बेचने का काम नहीं ना करते, हमारे जहन में रहता है महोदय। लेकिन जब स्मारक बनाने की बात आई, हमारे ही युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश जिला के अध्यक्ष थे, जिला पार्षद भी थे, तो उन्होंने बोला भाई हम अपने ही फंड से बनवा देंगे। जब काम शुरू कराने गए तो उनके परिजनों का था कि नहीं हमारा जमीन छोड़ दीजिए, जो बगल का किसी और का जमीन है वहां, जो दलित परिवार का था वहां बनाइए। तो वहां तो हम लोग बना नहीं सकते थे, लेकिन जो गेट जो था वो सरकारी था वो हम लोग बना सकते थे, लेकिन उनका परिवार की मांग थी नहीं यहां नहीं किसी और के जमीन पे, तो ये संभव नहीं था महोदय। दूसरी बात अभी सूचना मिली प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि उनके पिता को अरेस्ट किया गया है। इसमें इतना जरूर कहेंगे ये महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, कानून अपना काम कर रहा है महोदय, तो इसमें ना किसी को फंसाया जा रहा है ना किसी को बचाया जा रहा है कानून के तहत। लेकिन हमारी सच्ची श्रद्धा शहीदों के प्रति है, तो हमारे साथ आप तो गए नहीं ना थे, हम तो पूरी बात को जान रहे हैं, और हम उसी जिला से आते जहां से वो शहीद हुए हैं, उसी जिला के हैं, हम वहीं से चुन करके आते हैं उसी जिला से। और जो युवा प्रदेश जो युवा का हमारा जिला का अध्यक्ष है पटेल, उसने साफ तौर पे ये जानकारी हमको प्राप्त दी है, तो ये बात लोगों को जानना चाहिए, बिना किसी वजह के एक रूमर क्रिएट नहीं करना चाहिए। और जो आचरण रहा, नेता विरोधी दल अभी है लेकिन इस आसन पे बैठे, कोई भी हम लोग विपक्ष में थे कोई लोग छूता भी नहीं था, या वेल में महोदय यहाँ आते भी नहीं थे महोदय, बैठ जाइए आसन पर आप ही चले थे ना। अच्छा टेबल पटकना आप मना करते थे, कुर्सी उठाना आप मना, एक मिनट भाई बात कर रहे ना, अरे आप सुनिए, अरे चलो यार हम लोगों से गलती हो जाती है, हम लोग आपके तरह उदारवादी लोग नहीं ना है, सुन लीजिए, लेकिन एक बात समझ लीजिए, हो गई गलती आपके कहना अनुसार, अगर आपको लगता हमसे गलती हुई तो चलो थोड़े देर के लिए मान लेते कि गलती विपक्ष में रह के कुछ सदस्यों से हुई होगी, लेकिन आप तो आसन पे थे, हम तो कभी आसन पे नहीं बैठे। अरे सुन तो लीजिए, पूरी बात सुनिए, आप तो आसन पे बैठ करके आप बोलते थे ना भाई कुर्सी मत छुओ टेबल मत पटको, अब आसन से उतर गए तो ये तब्दीली कहां से आ गई? इनका हमको लगता है लोग, अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी, पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।